ये है जी मेरा कार्ड। अब फिर हमने लगा दिए कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले बंदे उनके पीछे, जो कि हमारे कार्ड की ट्रांजैक्शन वाले चोर ढूंढ कर देंगे हमें। कितने दिनों में चला? जितना जल्दी हो सके। बहन भी आ चुकी है जी, और बहन आते आते हमारे लिए ले आई है KFC। ये कर करके पागल हो गई है बेचारी, और मैं करके पागल हो चुका हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका? एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करते हैं। ईद तो गुजर गई है, मेरी तो अच्छी गुजर रही है। आप बताएं आपकी कैसी गुजर रही है, क्या मसरूफियत रही है, क्या कामकाज करते रहे हैं, कितनी कुर्बानी की है और कितना अभी तक गोश्त खा चुके हैं, और बारबेक्यू पार्टीज का सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं हुआ अभी तक, ये भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन। कैसे हो कुकू? ठीक हो, सेट हो? आज कुकू से मैं पूरे 5 दिन के बाद मुलाकात कर रहा हूँ, बिकॉज ये यहाँ ही था लाहौर घर पे, और मैं चले गया था गुजरात। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो आज ही मैं वापस आया हूँ। आते ही कुकू से तो मिलना जरूरी है ना, इस बेचारी को अभी गर्मी लग रही है, इसलिए अभी मैंने किया ये है, इसके केज का जो ये ग्रास है ना वो मैंने उठा दिया, बिकॉज ये थोड़ा गर्म होता है और ईंटें ठंडी होती हैं, तो ठंडी ईंटों में कुकू अच्छा फील कर रहा है। ठीक है, समझ गया। अब इसके कूलर में पानी भरूंगा और उसको ऑन कर दूंगा। पानी मैंने भर दिया कूलर में और कूलर को ऑन भी कर दिया। नाउ ही इज फीलिंग गुड। हवा बहुत ठंडी है, मेरा भी दिल कर रहा है थोड़ी देर बैठ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कपड़े मेरे प्रेस हो गए हैं, बस मुझे दे दे ताकि जल्दी जल्दी मैं चेंज करूं। गर्मी जितनी ज्यादा है ना उतना ही ज्यादा दिल भी करता है कि बंदा शावर ले और कपड़े चेंज कर। वॉलेट मैं घर ही भूल कर जाने लगा था। अच्छा, आपा ने आकर यह कि बेटा ये वॉलेट ले जाओ। कितनी दिहाड़ी लगाई है ईद पर? फिर दिहाड़ी हो गई 50-60 हज़ार की लगाई। नहीं सर जी, नहीं सर जी, ये झूठ बोल रहा है। फिर 10-12 हज़ार। कितने बकरे की है सर जी? मैंने 3 इनके की है। 12 तो आपकी ईद से पहले डन थे। हाँ जी, 12 ही की वही की है। पार्टनर को भी दिया? नहीं, पहले नहीं दिया। 12 हज़ार में 12 बकरे की है? अब नहीं सर जी, बोल रहे हैं मुझे इनके बेटे ने सब सच बता दिया। क्या कह रहे हैं वो? बता दूं मैं? हाँ बताओ। 3 इधर से की है। हाँ। कहते 20 इधर से लिया हमने, 15 से 20। अब्दुलरहमान भाई ना शुक्रे है, ये शुक्र अदा नहीं करते। फिर तो 60-70 हज़ार रुपया पकड़ लिया। मैंने 15 हज़ार रुपए बनाया। 15 हज़ार? तीन बंदे थे, मैं एक ही था। आप अकेले? तीन बकरे थे यार। मुझे नहीं समझ आ रही क्या यार, अब्दुलरहमान भाई कह रहे हैं कि 15 हज़ार मैंने कमाया और वो छोटा कह रहा है 3 बकरे इधर से किए हैं, 20 हज़ार इनसे लिए, 15 हज़ार उनसे लिए, पता नहीं क्या सीन है। मैं तो जी घर से रेडी शेडी होकर आ गया था, लेकिन इस बंदी ने अपनी आदत छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये घर पर फ्री घूमती रहती है। सारे मामला देख के आई हूँ, बताया ये चीजें इधर रख देंगे, उधर रख देंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, खाना बना ले, इज़ल को देख ले, इज़ल का ये कर ले, इज़ल का वो कर ले। ठीक हो गया, बस 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 बस, बहुत सुन लिया बातें हम लोग। लेकिन इसने हमेशा की तरह गाड़ी में ही मेकअप करना होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं शहर और समी से मिलने के लिए। चाहे ईद का 4th दिन है, लेकिन बेगम ने कहा कि खाली हाथ नहीं जाना, केक खरीद कर लाए पहले तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक सर। पहले तो केक। अरे सर थैंक यू। कैसी गुजरी है भाई ईद? अच्छी गुजरा, जबरदस्त माशाल्लाह। बहन भी आ चुकी है जी, और बहन आते आते हमारे लिए ले आई है KFC। थैंक यू सो मच बहन, दिल को दिल से राह होती है। आपको कैसे पता चला कि हमें भूख लग रही थी? इसलिए था नहीं, अन्य भाव होती है। चलो KFC खाते हैं फिर। नादरा ऑफिस तो बंद है, फिर हम लोगों ने सोचा कि यार शेक शूक पीते हैं, वापस जाते हैं घर और बैठकर अपना शो कोई देख रही है। पता नहीं यार कैसे देख लेते हैं ये रियलिटी शोज वगैरह बंदे, मेरे से नहीं देखे जाते। आंखों से ना ना वही कह रहा हूँ, मेरे से नहीं देखे जाते, टाइम जाया करने वाली बात होती है यार। बेचारी का फैमिली सर्टिफिकेट तो बन नहीं पाया, और घर आए हैं तो फैमिली को देखकर खुशी बहुत हो रही है। लेकिन ये आपने अपनी गाय को हलाल नहीं किया? कुर्बानी नहीं थी इसकी? नहीं थी। क्यों? कुर्बानी नहीं करनी थी इसकी? बताओ। अभी बड़ी हो जाएगी ना फिर करें। बड़ी होगी फिर करोगे? जब आपकी गाय बड़ी हो जाएगी ना फिर कुर्बानी करेंगे हम, ठीक है? जी हाँ जी हाँ जी। मोबाइल पकड़ना है, मोबाइल पकड़ना है। मोबाइल पकड़ने के लिए आ रही है। पकड़ो मोबाइल, पकड़ो पकड़ो। कमल के घर आती ना एजल ने सारे रिश्ते नाते भूल करना, बस अम्बा अम्बा की आवाजें लगानी शुरू कर देनी होती हैं, और एजल का दिल होता है कि बस मैं ना छलांग लगा कर या उड़ कर अपनी मामा के पास चली जाऊँ। मतलब ही हो जाती है अपनी अम्मा को देखते ही। नहीं अपनी मेरे पास आई। आ रही है आ तो रही है। कहाँ यहाँ हमारे पास। अब उसको भी पानी पिलाओ, पानी पीना है उसने।
मानी पीना है, मानी पीना है यार, मानी तो तमी शहर से फ्री होने के बाद मैं आ चुका था घर, क्योंकि मेरा ये दोस्त आया है इस्लामाबाद से। तो जी इसने आते ही जो मुझे सरप्राइज दिया है ना, वो पहले हम मुलाहिजा फरमाइए। फाइनली जुल्कर्नैन आ चुका है रूम में और मैंने उसको बता दिया कि भाई मेरे पास तुम्हारी एक चीज थी, दिखा दूं बता दूं। लेकिन वो शायद तुमने व्लॉग करा दिया, तुम्हारे यूज में नहीं होगी अब। क्यों? वो ऐसी चीज है जिसका तुमने व्लॉग भी बनाया था और मैंने अपने कजन से सुना कि तुमने उसका व्लॉग भी बनाया कि तुमसे वो गुम गई है चीज। जैसे वो गुम गई है? हाँ, तुमसे रिसेंटली क्या चीज गुम हुई है? क्या चीज गुम हुई है मेरी? दिखाता हूँ तुम्हारा कार्ड। मेरा कार्ड इस फोर्टेज में रह गया था यार। इससे ट्रांजेक्शन हुई है ना? अल्लाह की कसम। कितनी? 56,000 रुपए की। नहीं यार, अल्लाह की कसम। ऑनलाइन हुई है? नहीं, किसी ने वेबसाइट पर लगाया। वेबसाइट पर लगाया? हाँ। मजाक कर रहे हैं? सच बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम सच बता रहा हूँ। ये तो फिर सीन हो गया, झूठ बोल रहे हैं। मैं अल्लाह की कसम उठा रहा हूँ यार, ये तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा। किसके पास था कार्ड? मेरे कजन के पास है। हाँ हाँ यार, ये देख ना, मैं तुझे मैसेज दिखाता हूँ। ये कब की डेट मानती है? ये डेट बन रही है। और हुई किधर से है? ये वेबसाइट वगैरह मुझे बता। यूएसए की वेबसाइट है और वहाँ से ये ट्रांजैक्शन की गई है मेरे कार्ड के थ्रू। मैसेज आया हुआ है कि आपके कार्ड से। नहीं तो तुमने वो क्यों नहीं किया? मैंने बंद नहीं करवाया। और मैंने इवन ब्लॉग में बताया कि यार उसने बंद करवा दिया, अगर नहीं करवाया तो उसको पहले बंद करवा देना। मैंने वो ये जब ट्रांजैक्शन मुझे ये, मैं कल पेशावर से आया, मुझे कल मिला ये, और मैंने मुझे बता देना चाहिए था तुम लोगों को। उसने कहा, आपने कहा आप आएंगे तो आपको बताएंगे। चेक कर लिया आपने की क्या सरप्राइज दिया है? और उस सरप्राइज से ये मुझे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन ये खुद सरप्राइज्ड हो गया कि ये क्या हो गया भाई। इसके अकाउंट से 56,000 रुपए निकल गए थे और कार्ड तो मेरे पास है। फिर अभी काफी ज्यादा सोचने के बाद और समझने के बाद और काफी ज्यादा तफ्तीश करने के बाद हमें जो समझ में आया है कि इस कार्ड के पीछे कौन हो सकते हैं लोग, वो है इस गाड़ी के मैकेनिक। मैंने जलाल को ये गाड़ी बेच दी थी और बेचने के बाद जलाल ने इस गाड़ी का थोड़ा बहुत काम करवाया था। तांबासी जलाल मर्दान से काम करवाया था, और मर्दान से जब इसने काम करवाया था तो वहाँ इस गाड़ी का कार्ड जलाल को रिसीव हुआ था 20 तारीख को। लेकिन 20 तारीख से लेकर आज क्या डेट है, 2 तारीख है ना? हाँ, 2 तारीख, मतलब 12 दिन तक कार्ड जलाल के पास था और इसके लॉकर में था। मतलब किसी के हाथ नहीं लगा कार्ड और कोई सीन नहीं है ट्रांजेक्शन वाला। लेकिन बच्चे कौन लोग? जिन्होंने गाड़ी सही की है। ये है जी मेरा कार्ड और इसके पीछे जो लोग हैं ना, वो हैं इस गाड़ी को सही करने। अब फिर हमने लगा दिए कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले बंदे उनके पीछे, जो कि हमारे कार्ड की ट्रांजैक्शन वाले चोर ढूंढ कर देंगे हमें। कितने दिनों में जलाल? जितना जल्दी हो सकेगा। बस ठीक है जी, चेक किया। ये 56,000 मेरा ना, मैं हजम नहीं होने दूंगा किसी को भाई। तबीयत खराब हो गई है, शेक पीने की वजह से हुई है या आइसक्रीम खाने की वजह से? क्योंकि इसने शेक मेरे से लेकर पिया था थोड़ा सा, और आइसक्रीम इसने खुद खाई थी। उल्टियां कर कर के पागल हो गई है बेचारी। कुछ लेकर आऊं मेडिसिन वगैरह? प्राइड की बोतल में नमक वगैरह डालकर पी लो। नहीं, वो भी नहीं पीना। ये ना कोई बदहजमी हो गई है तुम्हें। मुंह धोया? चलो कोई नहीं, ठीक हो जाओ। पेट जी मेरा भी खराब हो चुका है, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मेरा पेट कैसे खाने से खराब हुआ है, या फिर यार घर पे तो हम लोगों ने दाल चावल ही खाए थे ना कमल। मुझे नहीं लग रहा कि दाल चावल से पेट खराब होता है, या फिर आइसक्रीम से खराब हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही। बिकॉज 3 मील लिए, एक KFC खाया मैंने और कमल ने, फिर उसके बाद हम लोगों ने घर से दाल चावल खाए, फिर उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। कमल बेचारी उल्टियाँ कर करके पागल हो चुकी है और मैं पागल हो चुका हूँ। एक से फ्री होता हूँ, उठता हूँ, अपना ट्राउजर वगैरह पहन, तो जब ही मैं वॉशरूम के गेट पर आने लगता हूँ, साथ ही दूसरे की मिस कॉल आ जाती है कि चलो जी दोबारा बैठ जाओ। खैर आज की ब्लॉग से मुझे दे इजाजत, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक द वीडियो और अच्छे से कमेंट। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।